हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से MJPR डेली न्यूज़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम BSc फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की हम बात करेंगे, सभी सब्जेक्ट की। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर पहली बार हो रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर तो चलो दो बार हो भी गया है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर तो पहली ही बार हो रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं इस आधार पर कि आपको पुराने क्वेश्चन मिल जाएँ या कुछ ऐसा मिल जाए कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे, तो देखो ऐसे कोई नहीं बता सकता आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ मैंने जितने भी लोगों से पूछा है, जितने भी प्रोफेसर से पूछा है, वो सिर्फ आपको टॉपिक ही बता रहे हैं बार बार, ठीक है। अब मैं अगर किसी के सामने दिनेश लेके जाऊँ तो आप लोगों को पता ही है कि प्रोफेसर लोग दिनेश से कितना चढ़ते हैं, दिनेश गेस्ट पेपर से या कोई भी गेस्ट पेपर हुए। इसीलिए कुछ यूनिट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उन्होंने मुझे बताए हैं, वही मैं आपको अब वीडियो में बता रहा हूँ। आगे आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट के हिसाब से ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बेकार में आप लोगों का टाइम ख़राब होगा, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट लेने शुरू कर लें, ठीक। नहीं आता स्क्रीनशॉट लेना तभी आप लिखें। पहले हम बात करते हैं BSc फर्स्ट सेम फिजिक्स की। तो ये फिजिक्स के सभी टॉपिक हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे BSc फर्स्ट सेम केमिस्ट्री की। आप स्क्रीनशॉट ही ले लें, इसमें ज़्यादा देर आप लगाएं ना, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहता बहुत लंबी हो। ये BSc फर्स्ट सेम मैथमेटिक्स आ गई। फिर ये BSc फर्स्ट सेम बॉटनी आ गई पूरी। फिर BSc फर्स्ट सेम जूलॉजी आ गई। अब ये थर्ड सेमेस्टर यहाँ से शुरू हो गया है, BSc थर्ड सेमेस्टर बॉटनी। BSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक। फिर BSc थर्ड सेम मैथमेटिक्स। उसके बाद ये BSc थर्ड सेम फिजिक्स। BSc थर्ड सेम केमिस्ट्री। इनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को कर लेने हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही मतलब आपको यूनिट ही याद करनी है या फिर। तो ये लास्ट है BSc थर्ड सेमेस्टर। उसके बाद भी अगर कोई सब्जेक्ट आपके रह गए हैं, उसके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट यूनिट अगर जाननी है, तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।